इन तस्वीरों को मैं नहीं जानता ये अभी तक देश के पास तक पहुंची हैं नहीं पहुंची हैं, लेकिन ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे समझेंगे, गुरेश भाई जिस बुलडोजर पर चढ़कर आप आजकल वोट मांगते हैं, ये वही चीन का बुलडोजर अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच गया है। गुरेश भाई अगर ये तस्वीरें सच्ची हैं तो क्या ये चिंता की बात है देश के लिए या फिर नहीं? आप ये पूछ रहे हैं इन तस्वीरों के विषय में, अभी मैच्योर वीडियो है, किसी के पास भी पुष्टि नहीं है और विदेश नीति का एक छात्र हूं मैं, तो उस नजरिए से मैं कहूंगा कि बहुत सारी चीजें होती हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होती है जो दुश्मन मुल्क उपयोग करता है, तो कहीं हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के ट्रैप में नहीं फंस रहे हो, इसलिए मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। 11 अगस्त का ये वीडियो बताया जा रहा है, क्या सच्चाई है क्या नहीं है मैं नहीं जानता, एक बार फिर से प्ले करिएगा इस वीडियो को, लेकिन इस बात को समझिएगा कि 11 अगस्त का ये वीडियो बताया जा रहा है, 27 अगस्त हो गई, जो 27 अगस्त भी बीत गई, प्रेजी 2.5 हफ्ते हो गए, क्या इस पर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी या फिर नहीं? देखिए तिलक जी, यदि हम डिप्लोमेटिकली बात करें और यदि ये एक फेक वीडियो है जो कि चाइना ने किसी तरह के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए किया है, ये फेक है। गुरेश शेख जी मैं एक बयान सुनाना चाहूंगा आपको, और ये बयान जो है वो देश के प्रधानमंत्री जी का बयान है और कुछ वक्त पुराना बयान है, और चीन को लेकर ही ये बयान है, और आज के संदर्भ में इस बयान को हमें सुनना चाहिए, प्लीज इस बयान को प्ले करिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाइना से आंख में आंख मिला करके भारत के हितों की बात डंके की चोट पर कहते हैं, भारत के हितों का हम ध्यान रखने वाली सरकार है, इस बात में हम जरा ही कोताही नहीं बरतते। अभी मैं 3 दिन पहले चीन के राष्ट्रपति जी से मिला, भारत के हित क्या है वो मैंने उनको साफ शब्द में अपनी बात बताई। मैं गुरेश जी ये जानना चाह रहा था कि चीन भारत की सीमा में घुसकर बुलडोजर चला रहा है, आप लाल आंखें भी दिखाइए, जो आंख दिखानी है आपको दिखाइए, लेकिन वो ड्रोन कहां है जिस ड्रोन का जिक्र करते थे देश के प्रधानमंत्री? अगर ये तस्वीरें सच्ची हैं तो कि नहीं, चीन बताइए अरुणाचल में सीमा में घुस गया। देखिए तिलक भाई, मैं बड़ी स्पष्टता एक बात कहता हूँ, लाल आंख दिखाने का अर्थ होता है कि बराबरी से बात करना, और जहां चीन को टोकना हो, जहां रोकना हो, उसको रोका जाए। बराबरी से अगर ये तस्वीरें सच्ची है तो रोका आपने? देखिए ये सच्ची है कि नहीं है पहले ये पुष्टि नहीं है। हाँ, तो लेकिन कौन करेगा पुष्टि? सर मैं तो नहीं कर सकता, ये ना आप कर सकते हो, ना भूदेव जी ना निगम जी, कौन करेगा पुष्टि? देखिए ये आज ये देखिए आप जो बोल रहे हैं 11 अगस्त से ही चल रहा है, लेकिन ये अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आया था। आप कह रहे ना मीडिया अगर नहीं दिखा रहा तो सर उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, संपादकीय कौन तय करता है वहां पर मुझे नहीं मालूम सर। मुझे लगा कि देश के लिए जरूरी है भाई। वो हिंदू मुसलमान वाली डिबेट से ज्यादा जरूरी है, मैंने इसलिए तस्वीरों को दिखाया। देखिए अगर डोमेन ऑफ वॉरफेयर में ये साइकोलॉजिकल डोमेन में आता है तो भारत सरकार अपनी नीति से काम कर रही है, और जैसा आपको जरूरत पड़ेगी ऐसा रिप्लाई भी मिलेगा वहाँ। 2014 से पहले आप लोग कहते थे ना चीन ऐसी हरकत करता, तब मनमोहन सिंह जिम्मेदार होते थे, आज कौन जिम्मेदार? एक इंच भारत भूमि पर चीन का कब्जा नहीं है, एक इंच भारत भूमि पे कब्जा नहीं है, और उन्होंने कब्जे करने की जब कोशिश की थी तो उनको बाकायदा जवाब दिया गया, हमारे बीच जो थे प्राप्त हुए। पक्का सर कोई कब्जा नहीं है ना? कोई कब्जा नहीं है। ठीक, अब मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, और ये बीजेपी के सांसद हैं आपके, बीजेपी के सांसद, आप देख सकते हैं बाकायदा अखबारों में 19 नवंबर 2019 बीजेपी के सांसद तापिर गांव लोकसभा में बयान देते हैं और कहते हैं कि अरुणाचल में चीन की सेना आ गई है, तब उसी वक्त वो जिक्र कर रहे थे, और उसी वक्त उन्होंने कहा था सितंबर में भी यही बात उन्होंने बोली और कहा कि लकड़ी का पुल चीन ने बना दिया है चंगाल गांव इलाके में, जहां पर आज ये कंस्ट्रक्शन की तस्वीरें आ रही है। भारतीय सेना ने इस बयान का खंडन किया था, लेकिन वो अपनी बात पर कायम रहे थे और आज ये तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए दोनों बातें सही है, आप ही के सांसद बोल रहे, मैं नहीं, आप ही के सांसद ने कहा था।
मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए इस पर, दोनों बात सही है, जो सेना ने बोला वो भी पूर्णतः सही है और जो ताकिर गाओ साहब ने कहा वो भी सही है, क्योंकि जो एरियाज 50s और 60s में चीन ने एक्वायर किए थे है तो वो भी भारत के ही अंग ना, अगर वहां पे भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो माना तो यही जाएगा कि हमारे एरिया में कर रहा है। सांसद कह रहे हैं वो सीमा के अंदर घुस गया है। तो सर ये जो जिस गांव का जिक्र कर रहे थे आज उसी गांव की ये तस्वीरें आ रही है जहां पर बुलडोजर चल रहा है, और ये बुलडोजर योगी जी का बुलडोजर नहीं है, ये चीन का बुलडोजर है सर। देखिए ये इसके ऊपर मैं भी टिप्पणी नहीं करूंगा, जैसा भारत सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आती है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, कई बार वॉरफेयर में दुश्मन को परास्त करने के लिए उसकी जो जनता है आवाम है उसकी मानसिकता तक खेला जाता है, हो सकता है ये वो हो। नवंबर 2021 में ये दो तस्वीरें आपके सामने है, नवंबर 2021 में खबर आई थी कि लगभग 10 महीने पहले चीन ने अरुणाचल में एक गांव बसाया, ये खबर भी मिली पेंटागन से, और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने इस बाबत जानकारी दी और हवाला दिया कि यह सैटेलाइट की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 2019 में इसी तरह का कोई गांव था ही नहीं, यह दावा किया गया था, और अब नवंबर 2021 में यह गांव बना दिया गया, 100 परिवार यहां रह सकते हैं, 100 परिवार। क्या ये तस्वीरें भी झूठी थी गुरेश भाई, प्लीज स्क्रीन पर। मुझे ताज्जुब होता है तिलक भाई की इतनी वरिष्ठ पैनल में मैं बैठा हूं और हम अमेरिका के और पेंटागन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि हमारे जो वर्तमान में आर्मी चीफ है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पेंटागन पे मुझे विश्वास नहीं, मुझे अपनी सरकार पर विश्वास है। मैं तभी आपसे पूछ रहा हूं ये दो तस्वीरों की सच्चाई क्या थी। सुन लीजिए भाई साहब मेरी, हमारे जो वर्तमान में आर्मी चीफ हैं मनोज पांडे जी, उन्होंने ये बात कही थी कि चीन ने अपनी सीमा में उस तरफ उसकी सीमा में डुअल यूज का विलेज बनाया है, हमारे एरिया में नहीं बनाया, उसके एरिया बनाया, लेकिन ये डुअल यूज का विलेज है। तो अमेरिका तो हमें भड़का रहा था, अमेरिका हमें भड़का रहा था अकॉर्डिंग टू यू। देखिए जियोपॉलिटिक्स तो होती है, सब कर रहा है, बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, दोनों तैयारी कर रहे हैं। इन तस्वीरों को हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए कुल मिलाकर ये। तो ये स्थिति कौन स्पष्ट करेगा फिर, इस पे स्पष्ट करने की आवश्यकता।